दोस्तों अब ये देखिए डेमो हो रहा है ऑयल मशीन का और कितनी इजीली इससे जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। हमने अभी इसमें मूंगफली डाली थी और ये जो तैयार हो रहा है मूंगफली का ऑयल तैयार हो रहा है। ये आप देखिए खल अलग निकल रही है और ऑयल इसमें से आराम से गिर रहा है, आप ये देख सकते हैं। देखिए ऑयल मेकिंग का जो प्रोसेस है लगभग कंप्लीट हो गया है, मूंगफली से यहाँ तेल बनके तैयार हो गया है। अभी आगे हम आपको इन सब का भी तेल निकाल के दिखाएंगे, आपको डेमो करके दिखाएंगे। तो ये देखो दोस्तों जो खली निकली है एकदम ड्राई खली, इसमें आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई ऑयल कंटेंट नहीं है। जो भी ये खली आ रही है ये आपकी वेस्टेज है और जो तेल आ रहा है वो ये नीचे इसमें इकट्ठा हो रहा है। अब हम आपके सामने बादाम का तेल निकालने जा रहे हैं। दोस्तों किस तरह से बादाम से तेल निकलता है वो हम आपको दिखाना है। ये आप देखिए मशीन में हम बादाम डाल देंगे, ये आप देखिए खल अलग निकल रही है और ऑयल अलग निकल रहा है। इजी प्रोसेस है, कोई भी इसमें से तेल निकाल सकता है। ये आप देखिए घरेलू महिलाएं बच्चे कोई भी इसमें से तेल निकाल सकते हैं। ये जो खली है दोस्तों इसको आप कहीं पे भी जानवरों को खिलाने के तौर पे, ग्रेवी के तौर पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको आप। और एकदम सूखी हुई खली है देखिए। मशीन में ये नहीं है कि मिनिमम आपको इतने केजी तेल बीज डालना है, चाहे आप निकालना चाहें तो 50 ग्राम 100 ग्राम बीज भी डाल के उसमें से जितना तेल है वो आप निकाल सकते हैं। ये देखो दोस्तों बादाम के बाद अब हम आपको जो तिल का तेल है ये देखिए आप तिल देख सकते हैं, ये तिल का तेल निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों तिल का तेल निकाला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं तिल इसमें डाले जा रहे हैं और आप देखिए कितना इजीली इसमें से तेल आ रहा है। इसको आप घरेलू यूज में भी मशीन को ले सकते हैं और सेमी कमर्शियल यूज में भी इस मशीन को ले सकते हैं। सॉफ्ट मशीन है, कोई करंट नहीं आएगा, इजी टू ऑपरेट है, फूड ग्रेड की स्टील का इसमें यूज किया गया है। ये देखो मनीष जी जैसे मैंने आपको कहा था फूड ग्रेड है ये मशीन चल रही है, ये देखिए जी बिल्कुल कोई तो सेफ मशीन है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तिल इसमें डल पड़े हुए हैं और कितना आसानी से तिल का तेल निकल रहा है, खली अलग हो रही है और तेल आराम से निकलता जा रहा है। आप घरेलू यूज में भी ले सकते हैं और कमर्शियल यूज में भी इसको ले सकते हैं, इसमें बादाम सरसों सभी टाइप का तेल निकल सकता है। ये देखो ये जो नारियल हमने अभी जो घरों में हम अपने बालों पे लगाने के लिए कई जगह कुकिंग ऑयल में यूज होता है नारियल, उसको मैंने बारीक काटा और कच्चा तेल निकाल के आपको बताते हैं।
दोस्तों ये हम डेमो दिखा रहे हैं आपको, घरेलू जो मशीन है उसका। ये देखिए गोले का तेल निकल रहा है इसमें से, खला लगा दिया और तेल काफी आराम से निकल रहा है। ये देखो दोस्तों, ये जो मस्टर्ड है इसका मैं आपको अभी इसका लाइव डेमो करके इसमें से ये कैसे तेल निकल रहा है ये आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों ये मशीन घरेलू यूज के लिए है, आप देखेंगे खला लगा रही है और तेल इसमें से अलग निकल रहा है। और आप ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई खल है, मैम दिखा भी रही हैं आपको, इसमें बिल्कुल भी ऑयल कंटेंट नहीं है। तो काफ़ी अच्छी घरेलू मशीन है, आप इसको घर में लेके यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बस ऊपर इसमें खल डाली हुई है, सॉरी इसमें सरसों डाली हुई है और आप देखिए खल और तेल अलग निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। फिर हम आपके लिए पंजाब के कोटकपूरा से काफ़ी अच्छा वीडियो एक लेके आए हुए हैं। इसमें हम आपको ऑयल मिल दिखाने वाले हैं, घरेलू सेमी कमर्शियल और फुल कमर्शियल जो ऑयल मिल हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। कंपनी के ओनर आप मेरे पास देख पा रहे होंगे, इन सभी मशीनों के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मनीष सर, आपका क्या नाम है, आपकी कंपनी का सर क्या नाम है? नमस्कार दोस्तों, मनीष जी मेरा नाम है राहुल छपर मेरा, और मैं और मेरे छोटे भाई सर पादुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छपर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम से। जी जी। हमारी कंपनी किसान भाइयों के लिए अलग अलग किस्म की मशीनरी लेके आती है जिससे वो अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ आज की डेट में जैसे आपको पता है बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो हम नए नए उपकरण लेके आते हैं जिससे कोई भी मेरा युवा भाई है, बहन है, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपना काम तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ इन मशीनों को आगे किराए पे लगा के अपनी पैकेजिंग करके अच्छा खासा वो मुनाफा भी कमा सकते हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ। जी जी। तो सर ये हम यहाँ तीन मशीनें देख पा रहे हैं, क्या मेन डिफरेंस है सर? मनीष जी आज की डेट में जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो अगर हम अपने घरों की बात करें जी, तो सबसे जो बेसिक नेसेसिटी है वो है कुकिंग ऑयल की। बिल्कुल। अब कुकिंग ऑयल कई किस्म का आता है, चाहे हम उसमें मस्टर्ड की बात करें, पीनट की बात करें, मूंगफली की बात करें, तिल हो गया, बादाम हो गया, नारियल हो गया, किसी भी किस्म का कुकिंग ऑयल है, तो इसमें सारे ऑयल निकल सकते हैं? बिल्कुल जी, एक ही मशीन से हर किस्म के ऑयल निकल जाते हैं। ओके ओके। तो नॉर्मल जो हम मार्केट से कुकिंग ऑयल लेके आते हैं हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या क्वालिटी, बिल्कुल मिलावट होने की बहुत ज्यादा चांस है। बिल्कुल जी। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर भी रहे हैं, आप अपने खुद के बीज भी आपने तैयार कर लिए, लेकिन आगे जब उनको आप कोल्लू पे लेके जाते हो तो कोल्लू वाले के पास जब आप अपने 2 किलो या 3 किलो बीज लेके जाते हो तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसकी मशीनें बड़ी होती हैं, उसमें 5 से 10 kg बीज तो मशीन के बीच में ही रह जाता है। तो इसके लिए आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। तो हमने ये जो अपनी गृहणियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वीडियो देख रही हैं, या जो मेरे युवा भाई हैं, उनके लिए हमने एक सीरीज लॉन्च की है जिसको ऑयल मिल सीरीज कहा जाता है। इसमें बेसिकली 3 मॉडल आ जाते हैं। ये सबसे पहले मॉडल आ जाता है मिनी ऑयल मिल का। जी ठीक है जी। इसको आप डोमेस्टिक यूज पे भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न ऑयल मिल, जिसको सेमी कमर्शियल मॉडल कहा जाता है। ये आ जाता है मेगा ऑयल मिल का। जी। तो सर ये क्या, इसमें ऐसा तो नहीं करंट वगैरह लगता हो या ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं सर, इसमें इंसुलेटर लगे हुए हैं। इसमें किसी किस्म का शॉक आने का डर
नहीं है। okay. मैं आपको लाइव वीडियो में, मेरी वाइफ पास में खड़ी हुई है, आगे आप देख सकते हैं कुछ हमने यहाँ पे बीज रखे हुए हैं। okay. जिससे लाइव वीडियो में इन मशीनों को चला के कैसे तेल निकलता है वो सारी डिटेल में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। जी जी। और सर बात करें पर मतलब केजी के हिसाब से कितना तेल निकल जाता होगा? मनीष भाई वो डिपेंड करता है जो बीज की परसेंटेज है। अब वो बीजों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर एवरेज अगर हम बात करें तो जो मस्टर्ड है उसमें से 30-35% ऑयल निकलता है, यानी कि 1 किलो मस्टर्ड में से 300-350 ग्राम तेल निकल जाता है। मूंगफली में 40-45% निकलता है, बादाम में 35-40% निकल जाता है। ऐसे अलग अलग रेशियो है, जो बीज आपने डालना है उस हिसाब से उसमें से ऑयल निकल जाता है। जी। और इनके साथ वारंटी वगैरह भी होती है कुछ? बिल्कुल जी, 6 बजे जाना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। जी। हम जो भी प्रोडक्ट किसान भाइयों के लिए लेके आते हैं उसमें 12 महीने यानी कि 1 साल की हम वारंटी आपको देते हैं। तो मैम अगर ये बात करें, ये तीनों अलग अलग मशीन है, अलग अलग इनके यूजेज हैं, घरेलू कमर्शियल और फुल कमर्शियल, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है पर आवरली कितना कितना है? मनीष भाई जो प्रोडक्शन की बात करें, जो मिनी ऑयल मिल है जी, उसकी अगर हम आउटपुट की बात करें तो घंटे का 3-4 kg सीड क्रशिंग कैपेसिटी रहती है। ओके। यानी कि 4 kg बीज एक घंटे में क्रश करेगी, उस हिसाब में से आप इसमें से ऑयल निकाल सकते हैं। जो मॉडर्न आ जाता है, ये जो सेकंड मॉडल है जिसको हम सेमी कमर्शियल मॉडल भी कहा जाता है, इसकी सीड क्रशिंग कैपेसिटी है 8-10 kg की। जी। और ये जो मेगा ऑयल मिल आ जाती है जी, इसकी अराउंड 25 kg की क्रशिंग कैपेसिटी होती है प्रति घंटे की। ओके। और इसमें जो मिनी ऑयल मिल है उसमें 1 HP की सिंगल फेज कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। जी। मॉडर्न ऑयल मिल में 1.5 HP की सिंगल फेज कॉपर वाइंडिंग की मोटर है, और वहीं जो मेगा ऑयल मिल हमारा फुली कमर्शियल मॉडल आता है जी, इसमें 2 HP की मोटर लगी हुई है। ओके। एक मैं और चीज आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा जो नॉर्मल पहले कोल्लू लगते हैं जी, वो बहुत भारी भरकम होते हैं, बहुत जगह उनको चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही टेबल के ऊपर मैंने तीनों मॉडल डिस्प्ले पे लगाए, ऑयल वगैरह भी निकलता रहता है, काले होते थे। बिल्कुल जी, जी। और इसकी जो मेन खास बात ये है कि यहाँ ऊपर हॉपर में से जो भी मॉडल आपने चलाना है, हॉपर में से आपने बीज डाल देना है, ऑयल नीचे से आपका एकदम फिल्टर होके आएगा जी। और आगे वाली साइड से जो ताजा खली है वो आपकी बाहर आती रहेगी। अब उस खली को भी जो आपकी वेस्टेज है आप उसको भी आगे कमाई का जरिया बना सकते हैं। खली को आगे आप कैटल फीड वालों को बेच सकते हैं, अगर आप अपनी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं, जानवरों को खिलाने के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे बादाम की खली हो गई या अखरोट की खली है, उसको आप ग्रेवी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे इन तीनों मशीनों के अलग अलग प्राइजेस क्या हैं? हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो छोटी सी मशीन आप देख रहे हो, इसको हम इजिली कहीं भी अपनी किचन की शेल्फ पे भी रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। घर के काम के लिए बहुत इजी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है, और सबसे बढ़िया कि इसके इससे हम फ्रेश ऑयल निकाल सकते हैं जो कि हम बाजार से, हमें इतनी गारंटी नहीं है कि वो फ्रेश है या नहीं है। और आप प्राइस की बात कर रहे हो, ये जो आप छोटे वाला आप देख रहे हो इसका प्राइस है 22,500, और इसको मंगवाने के लिए आपको एडवांस 5,000 देना पड़ेगा जी। और ये दूसरी मशीन जो आप देख रहे हैं जो इससे थोड़ी सी बड़े साइज की है, इसका प्राइस है 62,000, और इसको मंगाने के लिए भी आपको एडवांस 5,000 देना पड़ेगा जी। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े साइज में, इन दोनों से आप देख सकते हैं डिफरेंस, इसका प्राइस है 1,45,000, और इसको मंगाने के लिए एडवांस आपको 20,000 देना पड़ेगा। ओके। और उसके आगे की मैम प्रोसेस क्या होगी अगर किसी ने एडवांस दे दिया? पेमेंट आपका एडवांस आ जाएगा, उसके बाद आपका नाम पता आ जाएगा, हम यहाँ से मशीन प्रॉपर पैक करके आपके लास्ट डेस्टिनेशन पे भेजेंगे। जब मशीन आपके लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी आपको बकाया राशि कंपनी के अकाउंट में जमा करवानी है, हम यहाँ से मेल के माध्यम से DACC कैंसिल करवा के मशीन की डिलीवरी आपके घर तक करवा के देंगे। और मनीष जी एक और मैं बात इसमें बताना चाहूंगा, ये जो मॉडल है इन तीनों मॉडल्स में रिवर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। आपको मशीन साफ करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, शाफ्ट क्लीन करना है जी। फूड ग्रेड स्टील का इसमें यूज हुआ है, इंसुलेटर लगे हुए हैं जिसमें किसी किस्म का शॉक नहीं आएगा। और आप ध्यान से देखिए, ये हमारे जो मॉडल्स हैं, मेगा मॉडल है या मॉडर्न जो मॉडल है, इनमें अगर आप ध्यान से देखिए टेम्परेचर कंट्रोलर स्विच भी दिए गए। बिल्कुल। तो आप अलग अलग बीज अगर आप चाहते हैं, आप हीट प्रेस से निकालना चाहते हैं या कोल्ड प्रेस से निकालना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, उसका तेल निकाल सकते हैं। जी जी जी। दोस्तों ये वो मशीनें हैं, जैसे सेमी कमर्शियल और फुल कमर्शियल, वो मशीनें हैं कि इसको आप अपने यहाँ भी शॉप पे लगा के अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। आप इससे मतलब पर केजी के हिसाब से पैसा ले सकते हैं या ऑयल निकाल के भी बेच सकते हैं। आपकी किराना स्टोर है, मिनी स्टोर है, परचूने की दुकान है या और भी कोई जनरल स्टोर है, आप वहाँ ये मशीनें रख के अपना जो बिजनेस है उन्हें अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं।